हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, दे केम टू मी एट ब्लैंक नाइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहूँगा। यदि दिन और रात के हिस्सों के बारे में बात की जाए, पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट के बारे में बात की जाए, और इनसे पहले जो है एट या फिर बिफोर या आफ्टर या फिर बाई दिया हो, मैंने आपको क्या बताया, यदि दिन और रात के हिस्सों से पहले एट, बिफोर, आफ्टर, बाई दिया हो, मतलब कि पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट से पहले एट, बिफोर, आफ्टर, बाई दिया हो, तो इनसे पहले जो है कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए दिन और रात के हिस्सों के बारे में, पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट के बारे में, कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे नाइट लिखा है, और जैसे डॉन होता है, DAWN, ये वो समय होता है जब मॉर्निंग हो जाती है और सूर्य नहीं राइज होता है, तो वो समय जो होता है ये डॉन होता है, मतलब कि जो उजाला होता है मॉर्निंग में और सूरज नहीं निकले होते हैं तो उसको कहते हैं डॉन। जैसे बात की जाए डे ब्रेक, सनराइज, नून, इवनिंग, नाइट, डस्क, जो होता है शाम को जो लाइट रहती है और सूरज नहीं होते हैं तो उसको कहते हैं डस्क। और नाइट के बारे में बात की जाए या फिर मिडनाइट के बारे में बात की जाए, ये जो है दिन और रात के हिस्से हैं, ठीक है, इनसे पहले कभी भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है जब इनसे पहले एट, बिफोर, आफ्टर और बाई दिया हो, तो आपको यहाँ पे नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आई मेट हिम एट ब्लैंक डॉन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो है डॉन जो है ये जो है दिन का एक हिस्सा है, मतलब कि पार्ट्स ऑफ द डे है, तो इससे पहले जब आपको एट या फिर बिफोर, आफ्टर, बाई देखने को मिल जाता है तो इसके पहले जो है आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द स्टूडेंट्स मेट मी बिफोर ब्लैंक इवनिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि दिन और रात के हिस्सों के बारे में बात की जाए, पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट के बारे में बात की जाए, इससे पहले बिफोर, आफ्टर, एट और बाई दिया हो, तो इसके पहले जो है कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, कोई भी दिन और रात के हिस्सों से पहले आर्टिकल नहीं आता है जब इससे पहले जो है बिफोर, आफ्टर, एट, बाई दिया हो, तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शी विल कम हेयर बाई ब्लैंक नाइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि दिन और रात के हिस्सों, मतलब कि पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट के पहले एट या फिर आफ्टर, बिफोर, बाई दिया हो, तो इसके पहले नो आर्टिकल होता है, तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शी लेफ्ट फॉर मुंबई बाई ब्लैंक एरोप्लेन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। केवल यहाँ पे एरोप्लेन लिखा होता तो सिंपली इससे पहले हम आर्टिकल एन लगाते, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं इससे पहले आपको एक रूल बताऊँगा। यातायात के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन के पहले प्रपोजिशन अगर बाई दिया है तो उससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। मैंने आपको क्या बताया है कि यातायात के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन के पहले प्रपोजिशन बाई दिया है तो इससे पहले आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आई वेंट देयर बाई ब्लैंक कार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, यातायात के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के पहले प्रपोजिशन बाई दिया है तो इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नवनीत हैज नेवर ट्रेवल्ड बाई ब्लिंक बस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि यातायात के साधन के पहले अगर बाई प्रपोजिशन दिया है तो इससे पहले जो है नो आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज़ बॉट ब्लैंक कार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल आता है ए और एन, तो यहाँ पे जो कार से पहले है आर्टिकल आएगा ए। ए क्यों आएगा? क्योंकि जो कार की साउंड है, जो प्रोनंसिएशन है, ये जो है कॉन्सोनेंट की है, तो इससे पहले आर्टिकल आएगा ए, क्योंकि ये इसकी जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट की है। अगर यही साउंड जो है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरोप्लेन, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन से पहले आर्टिकल क्या आएगा? तो एरोप्लेन से पहले आर्टिकल आएगा एन, क्योंकि एरोप्लेन की जो साउंड है ये वोवेल की है, तो वोवेल के लिए आर्टिकल आता है एन। और कॉन्सोनेंट की अगर साउंड है तो इससे पहले आर्टिकल आएगा ए। आप सभी लोग ये रूल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक कार विच यू हैव बॉट इज न्यू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल कार के बारे में बात नहीं हो रही है। जब सेंटेंस में नॉर्मल कार के बारे में बात होती है तो हम जो है उससे पहले उसकी जो साउंड है, उसकी प्रोनंसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कार की जो साउंड थी, ये प्रोनंसिएशन थी, ये कॉन्सोनेंट की थी, इस वजह से आर्टिकल हमने ए लगाया था। यहाँ पे बात हो रही है कार विच यू हैव बॉट इज़ न्यू, यहाँ पे जो है जो खरीदी है न्यू कार उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है, यहाँ पे डेफिनेट किया गया है, तो डेफिनेट के लिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, तो यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शी इज़ सिटिंग इन ब्लैंक कार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। वो सिंपली जो है कार में बैठी है, इससे पहले जो है बाई प्रपोजिशन नहीं दिया है, तो आपको सिंपली इसमें जैसे आर्टिकल आप फिल करते हैं वैसे ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पे इसकी जो साउंड है, जो प्रोनंसिएशन है, ये जो है कॉन्सोनेंट की है, तो कॉन्सोनेंट के लिए आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, आई वेंट देयर टू कैच ब्लैंक बस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो बस की साउंड है, जो प्रोनंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यही बस को जो है पर्टिकुलराइज किया जाए, डेफिनेट किया जाए, तो इससे पहले आप जो है दावी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एन तो इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो साउंड है ये बोवेल की नहीं है, तो इस वजह से एन गलत हो जाएगा। और बस से पहले जो है, बस अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले नो आर्टिकल तो होगा नहीं, तो यहाँ पे कोई ना कोई आर्टिकल आएगा। ए आर्टिकल कब आएगा? जब ये नॉर्मल बात की जाए बस के बारे में, कि नॉर्मल उसने जो है आई वेंट देयर टू कैच बस, जब उसने नॉर्मल बस पकड़ी है, तो आप इसमें नॉर्मल बस के अकॉर्डिंग जो बस की प्रोनंसिएशन है, जो बस की साउंड है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसकी जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी इससे पहले आप दावी लगा सकते हैं जब इसको पर्टिकुलराइज किया जाए या फिर जो है डेफिनेट किया जाए, तो यहाँ पे द और ए दोनों करेक्ट हो जाएंगे। दोनों में से आप किसी एक को सही कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें दो ऑप्शन सही हों। बाकी मैंने आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजेश वांट्स टू बिकम ब्लैंक हिस्टोरियन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हिस्टोरियन लिखा है, हिस्टोरियन अपने आप में जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन आता है, तो यहाँ पे ए और एन में से कौन सा आएगा? तो सबसे पहले हिस्टोरियन की जो साउंड है, जो प्रोनंसिएशन है, ये जो है कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। हिस्टोरियन की जो साउंड है, जो प्रोनंसिएशन है, ये जो है कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दे गॉट इन टू ब्लैंक बोट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बोट अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन आता है, तो बोट की जो साउंड है, जो प्रोनंसिएशन है, ये जो है कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा ये इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आई मस्ट गिव ब्लैंक आंसर टू द क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर की जो साउंड है, जो प्रोनंसिएशन है, सबसे पहले जो आंसर है ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल आता है ए और एन, और ये जो आंसर की जो साउंड है, जो प्रोनंसिएशन है, ये जो है बोवेल की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। जब सिंगुलर
काउंटेबल नाउन की जो साउंड है ये वोवेल की होगी तो आर्टिकल आप लगाएंगे एन, जब ये साउंड कॉन्सोनेंट की होगी तब आर्टिकल लगाएंगे हम ए, ये आप लोग याद रखिएगा। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही आर्टिकल ए और एन आता है, ये रूल भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यू शुड टेक हैव ब्लैंक रेस्ट फॉर एन आवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आवर की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो है वोवेल की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे एन करेक्ट हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे रेस्ट लिखा हुआ है, रेस्ट अपने आप में क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट के लिए आर्टिकल लगाते हैं ए। और यहाँ पे जो आवर की साउंड है ये आ रही है वोवेल की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे एन लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एवरीबॉडी नीड्स ब्लैंक हॉलीडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। हॉलीडे अपने आप में जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे पहले आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हॉलीडे की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दीपक वेंट आउट ऑन सच ब्लैंक कोल्ड मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉर्निंग दिया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले जो कोल्ड दिया है ये अपने आप में एडजेक्टिव है, तो मॉर्निंग के लिए और कोल्ड के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल लगाना है, क्योंकि जब आपको नाउन दिया हो और नाउन से पहले कोई आपको एडजेक्टिव दिया हो, तो आपको जो है नाउन के लिए लगाना है आर्टिकल और एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे कोल्ड के अकॉर्डिंग आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कोल्ड की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इट वॉज ब्लैंक बैड क्लाइमेट। तो यहाँ पे क्लाइमेट नहीं है, आप लोग क्लाइमेट को हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग वेदर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेदर, आप लोग यहाँ पे वेदर कर दीजिए क्लाइमेट की जगह, क्योंकि सेंटेंस दोनों सेम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और 18 दोनों सेम हैं, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में, इसकी जगह आप कर दीजिए वेदर, तो मैं ये PDF में सुधार दूंगा, बाकी आप लोग अभी सुधार लीजिए। यहाँ पे जो वेदर लिखा हुआ है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेदर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लाइमेट आप लोग हटा दीजिए और यहाँ पे वेदर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 में, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे इस वजह से। और यहाँ पे जो वेदर है अपने आप में क्या है, ये है अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पे इस वजह से नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इट वॉज ब्लैंक बैड क्लाइमेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने जो है यहाँ पे क्लाइमेट को हटवाया है और मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है, यहाँ पे मैंने लिखवाया है वेदर को, तो आप लोग यहाँ पे वेदर कर दीजिए और वेदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट, क्लाइमेट अपने आप में जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन आता है, तो यहाँ पे इससे पहले जो दिया है एडजेक्टिव दिया है, तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आर्टिकल आएगा ए, क्योंकि जो बैड की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की है, तो यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एवरी वन लाइक्स ब्लैंक कम्फर्टेबल जर्नी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जर्नी यहाँ पे जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उससे पहले जो दिया है कम्फर्टेबल, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, तो इससे पहले जो आर्टिकल आएगा ये इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कंफर्टेबल की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है किसकी, ये आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट के लिए आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, एवरीवन लाइक्स ब्लैंक कंफर्टेबल ट्रेवल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रेवल लिखा हुआ है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, योर फादर गेट्स ब्लैंक गुड सैलरी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे पहले जो है एडजेक्टिव दिया है, तो यहाँ पे गुड के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल आएगा यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गुड की साउंड जो है प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की है, इस वजह से आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, योर ब्रदर गेट्स ब्लैंक गुड पे। तो
तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पे है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैंने आपको बताया नो आर्टिकल आता है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दीपक इज इन ब्लैंक गुड हेल्थ नाउ, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हेल्थ अपने आप में क्या है, हेल्थ अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल आता है नो आर्टिकल, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आई प्ले ब्लैंक हारमोनियम, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे हारमोनियम, पियानो, तबला, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल लगाना है, द आर्टिकल लगाना है, ये एक रूल है आप लोग याद रखिएगा। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द लगाना है, तो यहाँ पर इसका आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, राकेश लर्न्स ब्लैंक पियानो, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पियानो जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अभी मैंने आपको बताया है जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है, तो यहाँ पर इसका द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, दे लाइक ब्लैंक हारमोनियम, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हारमोनियम जो है अपने आप में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे पहले भी आर्टिकल आपको हमेशा द का यूज़ करना है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, अनुज वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ ब्लैंक डायरेक्टर, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजिशन ऑफ देखने को मिल जाता है, तो इसके बाद जो भी नाउन आता है तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ये एक रूल है आप लोग याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया, जब भी सेंटेंस में द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, या फिर द रैंक ऑफ या द पोजिशन ऑफ देखने को मिल जाता है, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा उससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, राजेश एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ ब्लैंक हेडमास्टर, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, या फिर द रैंक ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसका नो आर्टिकल यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और उसका जो पासवर्ड है ये चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन बटन कहाँ है, सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन आ रहा होगा। जब आप इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ फाइल्स हैं उनका आपको पासवर्ड मिल जाएगा। कैसे आपको पासवर्ड मिलेगा, सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल के होम पेज पर पहला सेक्शन जो है होम का होगा, दूसरा वीडियोज़ का, तीसरा प्लेलिस्ट का, चौथा कम्युनिटी का, और पांचवा सेक्शन जो है ये मेंबरशिप सेक्शन होगा। इस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ फाइल्स हैं उनका आपको पासवर्ड मिल जाएगा। ये मेंबरशिप सेक्शन तभी ओपन होगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल को। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि नोट्स जो हैं अपने हाथ से बनाए हुए सबसे बेस्ट होते हैं। अगर आपको रिविज़न करना है बार बार तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और बाकी मैंने आपको बता दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं, आप लोग सिंपली नोट्स भी बना सकते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, आप लोग अगर चाहते हैं बार बार रिवीजन करना तो इसका आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अजहरुद्दीन हैड द रैंक ऑफ ब्लैंक कैप्टन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द रैंक ऑफ देखने को मिल जाता है, या फिर द पोजिशन ऑफ देखने को मिल जाता है, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा उससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ब्लैंक गंगाज नील इज ब्लैंक होली फाइन रिवर, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितने स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।